दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप की चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां एक तरफ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का समीकरण कंफर्म हो चुका है तो वहीं अब भविष्यवाणियों और प्रेडिक्शन का सिलसिला भी जोरों शोरों पर है, जहां अब कई दुनिया भर के बड़े बड़े दिग्गज धोनी से लेकर रिकी पॉन्टिंग, यहां तक कि शोएब अख्तर से लेकर गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर जैसे महान हस्तियों ने अब भारत के सेमीफाइनल के साथ साथ विश्व चैंपियन का ऐलान करते हुए जिसे अपना पसंदीदा बताया, उनकी बातें सुनकर तो सच में आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो आखिरकार किस दिग्गज ने किया किस टीम का समर्थन, कौन बनेगा वर्ल्ड चैंपियन, उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में से आप किसके साथ है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के उतार चढ़ाव भरे सफर का आखिरी दौर आ चुका है। डेढ़ महीने तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। इस बार कई बड़े बड़े चमत्कार हुए, ऐसा लगा था कि कई नई टीमें इस बार सेमीफाइनल में जाएंगी और अंत में आते आते आखिरकार 4 टीमों ने सेमीफाइनल में अपने जोश जज्बे और जुनून से क्वालिफाई कर लिया है, जहां इंडिया के साथ साथ 5 बार की विश्व चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि अफ्रीकी टीम ने अपना जलवा दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह पाई। तो वहीं अंत में न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान को हराकर सेमीफाइनल पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां अब सेमीफाइनल का पूरा स्केड्यूल भी निश्चित हो चुका है। पहले नंबर वाली टीम इंडिया का मुकाबला चौथे पायदान पर मौजूद न्यूजीलैंड से वानखेड़े के मैदान पर 15 नवंबर को होने जा रहा है। तो वहीं दूसरे मुकाबले में, जो कि 16 नवंबर को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे की उम्मीदों को चकनाचूर करने के इरादे से उतरेंगे। यानी कि कॉम्पिटिशन तो बहुत बड़ा है, हर एक टीम एक से बढ़कर एक है, सभी टीमों में मैच विनर की भरमार है। एक ऐसे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो सिंगल हैंडली मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं, यानी कि ये सेमीफाइनल तो और भी खास होने वाला है, जहां खासतौर पर इंडिया से लेकर अफ्रीका या फिर न्यूजीलैंड भी कोई गलती नहीं करना चाहेगा। लेकिन दोस्तों सेमीफाइनल का रोमांच आते आते अब भविष्यवाणी और प्रेडिक्शन का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सभी अपनी पसंदीदा टीम को विजेता बता रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े बुजुर्ग, खिलाड़ियों से लेकर अब बड़े बड़े क्रिकेट दिग्गज भी अपनी टीम के साथ हैं। यहां तक कि दुनिया भर के कई दिग्गजों की भविष्यवाणियां भी सेमीफाइनल को लेकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले तो शोएब अख्तर ने कह दिया कि मेरा तो दिल टूट गया, माशाल्लाह मैंने सोचा था कि हमारी टीम अच्छा खेलेगी लेकिन उन्होंने हमें निराश किया, हम सेमीफाइनल से बाहर हो गए। खैर कोई बात नहीं, हमें इसी के साथ जीना होगा, यही सच्चाई है। लेकिन अब जो भी सेमीफाइनल है, मुझे लगता है कि इंडिया और अफ्रीका के बीच फाइनल मैच होगा और ये दोनों टीमें बहुत बेहतरीन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भी अपना जलवा दिखा सकती है। हालांकि किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता, बस मैं परेशान हूं भारत के खराब रिकॉर्ड से, वो अहम मौके पर गलती करते हैं। यदि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो वो आसानी से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो दोस्तों वहीं ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि इस बार का सेमीफाइनल और भी खतरनाक होने वाला है, सभी टीम बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं। हालांकि बाकी की 3 टीमों को किसी से बचकर रहना पड़ेगा तो वो है भारत, क्योंकि उन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में लाजवाब खेला है। लेकिन यही तो उसके साथ होता है, उनकी एक गलती उनकी पूरी मेहनत पर भारी पड़ती है। हाँ यदि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया तो ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन भारत को हराना इतना आसान नहीं है, ये बात मुझे पता है। उनके अलावा खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का मानना है कि मुझ पर पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनेगी, हम इस ट्रॉफी का इंतजार कई सालों से कर रहे हैं, हमने अपना खून पसीना एक किया है, इसके पीछे पिछली बार हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए थे, हर बार यही कहानी होती है, लेकिन इस बार की यह टीम अलग है, उन्हें बस सावधान रहने की जरूरत है। यदि वो खुद से कोई गलती नहीं करेंगे तो सामने कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिन्हें वो हरा पाए, मुझे अपने खिलाड़ी पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट टीम रोहित। यहां तक कि खुद महेंद्र सिंह धोनी का मानना है कि मुझे लगता है कि भारत आसानी से चैंपियन बनेगा, लेकिन यदि किसी टीम से बचकर हमें रहने की जरूरत है तो वो है फाइनल में अफ्रीका, उन्होंने इस बार सबसे लाजवाब खेला है उनके अफ्रीका बल्लेबाजों ने, हमें सावधान उनसे रहना पड़ेगा। बाकी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से तो हमें उतना खास परेशान होने की जरूरत नहीं है, भारतीय परिस्थितियों में ये दोनों टीमें हमारे कंपैरिजन में ज्यादा टिक नहीं पाएंगी, यदि पिच से स्पिनर्स को मदद मिली तो हम आसानी से वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है, पूरा देश यही कामना कर रहा है कि मेरी बातें सच हो। तो वहीं न्यूजीलैंड के महानतम कप्तान ब्रैंडन मैक्यूलम ने अपनी टीम का साथ दिया, उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में जीतेगी और फाइनल भी, हमारे पास वो टीम और रणनीति तैयार है जिससे हम वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, हाँ भारत हमें चुनौती देगा लेकिन हम उनसे निपटना जानते हैं। तो दोस्तों सच में पूरी दुनिया सेमीफाइनल के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन इस बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंग्लैंड ने टॉस जीतते ही पाकिस्तान हुआ विश्व कप से बाहर तो पूरी दुनिया उन पर हंसने लगी, इतना ही नहीं क्रिकेट के बड़े बड़े दिग्गजों ने भी पाकिस्तान के टॉस हारते ही न केवल उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई बल्कि उन्हें आईना दिखाते हुए उन्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो आखिर शोएब अख्तर से टॉस हारने पर क्या कुछ कहा, वहीं वीरेंद्र सहवाग, धोनी, वसीम अकरम, केविन पीटरसन जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने कैसे पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, क्यों अकरम और अख्तर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे, इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम जी आएगी, हमें अपने कॉमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइएगा।
दोस्तों विश्व कप का रोमांच अब खत्म नहीं हुआ है, अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है, लेकिन आए दिन हर मैच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। जहां पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आमने सामने। पाकिस्तान को यह मुकाबला विश्व कप में बने रहने के लिए जीतना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इंग्लैंड को बड़े अंतर से हराना होगा, यानी इस मैच को अपने नाम करना होगा। अगर पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो इंग्लैंड के सामने 400 से 450 रनों का स्कोर रखना होगा और उसे अपनी दमदार गेंदबाजी से इस मैच को 287 रनों से जीतना होगा, तब जाकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकती है पाकिस्तान। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम पहले गेंदबाजी करती है तो टीम को मिले हुए लक्ष्य को केवल 16 गेंदों में हासिल करना होगा और इंग्लैंड को हराना होगा। 284 गेंद बाकी रहते हुए मुकाबला जीतना होगा, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। ऐसे में दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को अब कुदरत के निजाम का ही सहारा मान सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टॉस को गंवा दिया और पाकिस्तान टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मैदान पर उतरते ही पाकिस्तान की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इंग्लैंड टीम ने 12 ओवर में ही बिना विकेट कमाए 79 रन बना लिए। यही इसको देखकर लग रहा है कि पाकिस्तान 16 गेंद में किसी भी हाल में हासिल नहीं कर, अब तो पाकिस्तान की हार निश्चित है और पूरी टीम को घर वापस लौटना ही होगा। यहीं तक था विश्व कप में पाकिस्तान का सफर। टॉस गंवाते ही दिग्गजों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए बड़े बड़े दिग्गजों ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर शोएब अख्तर से लेकर रिकी पॉन्टिंग ने क्या कुछ बयान दिया शर्मनाक हार पर, चलिए हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने बाबर आजम के टॉस आते ही बौखलाते हुए बयान दिया कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाबर आजम टॉस हार जाएंगे और हमारी टीम को विश्व कप से बाहर होना पड़ेगा। हम लोगों की यह बदकिस्मती है कि हम लोग विश्व कप में इस बुरी तरीके से बाहर हो रहे हैं। मैं अपनी टीम के शर्मनाक हद से बहुत ज्यादा निराश हूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि हम लोगों का विश्व कप में ऐसा प्रदर्शन होगा। इस हार की पूरी जिम्मेदार पाकिस्तान टीम है, न केवल अकेले बाबर आजम। वहीं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की किस्मत इस विश्व कप में बहुत खराब थी और उनके खिलाड़ियों ने भी बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया है जिसके कारण पाकिस्तान टीम विश्व कप से बाहर हो गई। इस बार विश्व कप में टॉप चार में जगह जो बनाई है बेहद ही खतरनाक है। अब पाकिस्तान टीम का घमंड चूर चूर हो गया, ये देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा है। वैसे भी पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करती तो भारत करारी हार का स्वाद चखाकर बाहर का रास्ता दिखा देता। अच्छा हुआ कि भारत के बिना हर विश्व कप से बाहर हो गई। पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने भी बयान देते हुए भावुक मन से कहा कि मैं अपनी टीम की बदकिस्मती पर बहुत निराश हूं, मेरी आंखों में आंसू तक आ गए। जब बाबर आजम ने टॉस गंवाया मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमारी टीम ने प्रदर्शन भी कुछ खास नहीं किया जिसके कारण हम लोगों की हालत ऐसी हो गई। विश्व कप में अगर हमारी टीम शानदार प्रदर्शन की होती तो हम बड़ी ही आसानी से सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेते। वहीं इंग्लैंड के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी बयान देते हुए कहा है पाकिस्तान टीम ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि हम विश्व कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अब टीम का सपना चकनाचूर हो गया, इसलिए कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने इस पर बेहद खराब प्रदर्शन दिखाया है जिसका नतीजा खुद अब आपके सामने है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने भी बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ, यह टीम हमेशा रोना गाती है और इस बार उसके सपने को जॉस बटलर ने तोड़ दिया और विश्व कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वैसे भी अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाती तो हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से उसको पटक नहीं देकर विश्व कप से बाहर कर देती। इस बार विश्व कप के सेमीफाइनल में जो चार टीमों ने क्वालिफाई किया है वो खुद ही बेहद ही खतरनाक है। बाबर आजम की टीम 16 गेंद में इंग्लैंड के द्वारा दिए गए लक्ष्य को किसी भी कीमत पर नहीं बना पाएगी और विश्व कप से बाहर होना तय है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से दिग्गजों ने पाकिस्तान पर तीखा वार करते हुए बयान दिया। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस विश्व कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों टॉस के साथ ही बाहर हुआ पाकिस्तान तो भड़क उठे पाकिस्तान के दिग्गज, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। वनडे विश्व कप के दौरान आज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का रोमांचक मैच खेला गया जिसमें इंग्लैंड की टीम के सामने टॉस हारने के साथ ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसको देख पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे हैं। इसी बीच वसीम अकरम, रबीज रजा से लेकर शोएब अख्तर ने इंग्लैंड को खरी खोटी सुनाने के साथ एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार वर्ल्ड कप से बाहर होने के साथ ही पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या बयान जारी किया, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बाबर आजम, विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है वनडे विश्व कप काफी रोमांचक अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जहां पर आज पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड का रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 288 रन की जीत चाहिए थी, लेकिन टॉस के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान का सपना तोड़ दिया। दरअसल इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया जिसके साथ पाकिस्तान का जीतना असंभव हो गया और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों का बयान सामने आया है जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि आज हमारी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर होने का काफी बड़ा झटका लग गया।
है। हमारी टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी, लेकिन इंग्लैंड को टीम ने जानबूझकर हमारे साथ छल किया, जिसके चलते हमारी पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकामयाब रही। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम के पहुंचने के चांस पहले बल्लेबाजी करने के साथ थे, लेकिन टॉस में इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर पहले बल्लेबाजी ली और पाकिस्तान को गेंदबाजी करने के लिए मजबूर किया, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की टीम ने जानबूझकर वर्ल्ड कप से बाहर करने का पूरा प्रयास किया है। इंग्लैंड की टीम ने इस मैच में खेल भावना को आहत कर दिया है। तो वहीं रमीज रजा ने बयान देते हुए कहा है